वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी बना दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है और केंद्र सरकार चाह रही है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो, इसको लेकर मंथन भी किया जा रहा है। लेकिन राजधानी जयपुर की जनता क्या सोचती है, सर क्या सोचते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? वन नेशन वन इलेक्शन जो ये मोदी जी ला रहे हैं बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसे एक साथ चुनाव होंगे तो देश के ऊपर जो आर्थिक भार पड़ रहा है वो कम होगा और सबके लिए अच्छा रहेगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, देखिए एक साथ चुनाव होंगे तो आर्थिक भार भी कम पड़ेगा, क्या लगता है मोदी जी सोच रहे हैं? क्योंकि चुनाव होते हैं तो जनता का पैसा लगता है, प्रशासनिक अमला लग जाता है, वो वन नेशन वन इलेक्शन लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, सब कुछ मिलेगा, हम इसके पक्ष में। क्या लगता है इस तरह वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है, क्या विपक्ष यानी कि कांग्रेस हो अन्य राजनीतिक पार्टियाँ हो, क्या इसका विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या विरोध करना लाजमी है? वो उनका सोचना है। कितना फ़ायदा मानते हैं सर वन नेशन वन इलेक्शन से? काफ़ी फ़ायदा है सर, देश के लिए बहुत फ़ायदा है। आने पिछले 70 साल से जो देश में हो रहा था, अब जो विकास हो रहा है तो मोदी जी ने कुछ सोच समझ के ये स्कीम लेके आ रहे हैं कि वन जो ये चुनाव होने हैं लोकसभा के विधानसभा के एक साथ चुनाव होंगे, काफ़ी पैसा बचेगा, वो पैसा देश के विकास के लिए खर्च होगा। मोदी जी ये सोच रहे हैं, पुराने ज़माने में जो पार्टियाँ चल रही उन्होंने देश के बारे में सोचा नहीं, देश को गर्त में डाला है, तो उससे उभरने का ये मोदी जी एक अच्छा मैसेज लेके आ रहे हैं देश के लिए। बिल्कुल, देखिए लोगों का कहना है देश के लिए एक अच्छा मैसेज लेके आ रहे हैं। आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में? देखिए ये बहुत अच्छी स्कीम है जितना अभी तक मैंने पढ़ा और जितना मैं सुनते हुए आ रहा हूँ न्यूज़ चैनलों से, और इससे एक युवा के लिए भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगी कि आप कैसे एक ही टाइम पर दो चुनावों को मैनेज करके आप काम कर रहे हैं। इससे जितने प्रशासन जो अधिकारी है उन पर भी भार कम रहेगा, जिससे कि उनको व्यवस्था करने में आसानी रहेगी, आम जनता के लिए भी काफ़ी सुकून भरा रहेगा कि जो ट्रैफिक जाम वगैरह अक्सर होता है जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो काफ़ी ट्रैफिक की समस्या होती है। इससे युवा पीढ़ी हो गई, आम जनता हो गई, उनको परेशानी मिलती है, तो उससे भी थोड़ा आराम मिलेगा उनको। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, आप क्या कहेंगे? देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ मोदी जी के क्रिएटिव माइंड और क्रिएटिव आइडियाज से जो इंडिया का भला होना है ना वही होगा, और बहुत अच्छी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के जो डायरेक्शन है वन नेशन और वन इलेक्शन, इसमें ये है कि रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में ये कमेटी बना दी गई है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो आपके MLA के इलेक्शन है, MP के इलेक्शन है, वो एक जगह ही हो जाएंगे, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो एक तो आर्थिक भार घटेगा, आर्थिक भार जो है ना, वो आर्थिक भार जो हो रहा है आज जनता को रोटी कपड़ा मकान ये चाहिए, आज जनता के पास पहुँच रहा है, आज हमारा कर्जा कम होगा। सेकंड ये बताऊँ आपको, जो इलेक्शन से बाहर होता है जो प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी अपना काम टाइम पे कर पाएंगे। और थर्ड ये है, आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, भारत का विकास सुनिश्चित है, भारत का विकास होगा। मोदी जी का आइडिया बहुत अच्छा है, वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में है और यही होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जनता ने अपनी राय व्यक्त की है। जनता भी कह रही है कि जब चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं जनता का पैसा बर्बाद होता है, पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता लगाना पड़ता है, प्रशासनिक अधिकारी जो है चुनाव की तैयारी में लग जाता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला अपनाया जाएगा तो प्रशासनिक अमला को भी राहत मिल पाएगी और वो विकास कार्य कर पाएगा और जनता का पैसा भी विकास कार्यों में लग पाएगा। TV9 जयपुर।